हे दोस्तों, वेलकम बैक. आपका स्वागत है फिर से इस चैनल में, यूथ लर्निंग में. सो लेट गेट इंस्पायर्ड. मैं आज आपको बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, जो बहुत एक फेमस होटेलियर है, जो एक एंटरप्रेन्योर भी है, जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपनी एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जो स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एम्पावर करते हैं, जिन्हें होटल इंडस्ट्री में गुरु माना जाता है और जिनकी कामत होटल्स की चेन भी है. मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विट्ठल वेंकटेश कामत के बारे में. ये वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं. इनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं और इनकी बायोग्राफी भी पढ़ी है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. ये बुक्स के ऑथर भी हैं, अपने ज़माने में ब्लैक बेल्ट चैंपियन भी रह चुके हैं और इन्होंने बहुत से अवार्ड्स भी जीत चुके हैं. सो लेट्स बिगिन. इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. वेंकटेश कामत ये विट्ठल कामत के पिताजी थे और वो भी होटल इंडस्ट्री में थे. वो उस टाइम से होटल इंडस्ट्री में थे और वो भी एक होटेलियर थे, जो एक होटल में होटल चलाते थे खुद का. लेकिन विट्ठल कामत के पिताजी ये नहीं चाहते थे कि वो होटेलियर हो, क्योंकि उस टाइम में उनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी. शायद से वो उसी ज़माने के हिसाब से उनके पिताजी ये बोलते थे कि वो उनका बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने. लेकिन विट्ठल कामत ये नहीं चाहते थे कि विट्ठल कामत जी के पिताजी ये नहीं चाहते थे कि वो भी इस इंडस्ट्री में आए. लेकिन इसलिए विट्ठल कामत ने अपना टेक्निकल एजुकेशन लिया, इंजीनियरिंग कंप्लीट की और डिग्री होने के बाद वो चल पड़े. और उनका एक सिद्धांत था कि केवल प्रॉफिट के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे. और आज बहुत ही सक्सेसफुल है विट्ठल कामत. जब छोटे थे, और वो बोलते हैं, वो अभी भी बोलते हैं विट्ठल कामत, कि एजुकेशन का बिजनेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. वो अपने अपने व्यूज़ पर हैं कि आप उसको किस तरीके से लेते हो. एजुकेशन का बिजनेस में भी बहुत यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर कोई काम करना है, कुछ काम है आपका जो आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड है बिजनेस में, तो अगर को दूसरे किसी आदमी को वो काम करने में 2 साल लगता है, तो आपको वो काम करने में सिर्फ 7 से 8 महीने लगेंगे एजुकेशन के बेस पर. वो ऐसा बोलते हैं उनके बुक में, जिस जो मैंने पढ़ी है. इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने चाहिए, वो ये बोलते हैं. वो ये भी बोलते हैं कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी बनने चाहिए, जिससे हमारे देश की बहुत ग्रोथ होगी और हमारा देश पहले 10 रिचेस्ट कंट्री में आएगा. और वो बोलते हैं हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सकता है एज 12 से लेकर के 82. उनकी बहुत ही अच्छी शायरी है, जिसे मैं एंटरप्रेन्योर शायरी बोलता हूँ, जिससे मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ. उसमें बहुत कोर वैल्यू मैसेज दिया हुआ है. वो बोलते हैं, तो मैं गाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए. खरीदार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम बिकाऊ बनना मत. खरीदार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम बिकाऊ बनना मत. दिमाग चाहे दिल ना चाहे वो काम कभी करना मत. दिमाग चाहे दिल ना चाहे वो काम कभी करना मत. दौलत दौलत बहुत कुछ है, दौलत सब कुछ नहीं. दौलत बहुत कुछ है, दौलत सब कुछ नहीं. सब कुछ के लिए बहुत कुछ के लिए सब कुछ खोना मत. बहुत कुछ के लिए सब कुछ खोना मत. दिमाग चाहे दिल ना चाहे वो काम कभी करना मत, कहते विट्ठल कामत. इसमें बहुत बड़ी वैल्यू है, आप इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए. विट्ठल कामत जब छोटे थे, उन्होंने अपने पापा से कहा, पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे एक लंदन का टिकट दीजिए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ. और आप मुझे सिर्फ वहाँ की टिकट दीजिए और वहाँ रहने का या बाकी सब चीज़ें मेरा मैं मैनेज कर लूँगा. तो विट्ठल कामत के पिताजी ने उन्हें लंदन की एक टिकट करवा के दी और विट्ठल कामत चले गए लंदन. वहाँ जाने के बाद उन्होंने देखा एक जगह पर इडली बनानी थी और वो इडली बहुत ही सख्त थी, बहुत ही हार्ड थी. तो विट्ठल कामत जी ने वहाँ पर इडली बनाई और बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की इडली टाइम स्पैन में बनाया. और उसके वजह से उनके जो होटल के मालिक है, उन्होंने खुश रख के उनके लिए मैरिज का प्रपोजल भी लिखा. लेकिन विट्ठल कामत अभी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें बहुत सीखना था, आगे बढ़ना था. विट्ठल कामत ने स्ट्रीट के ऊपर जूस बेचा, कभी बॉटल्स बेच के गुजारा भी किया. आज विट्ठल कामत इतने सक्सेसफुल है कि एशिया में इको फ्रेंडली होटल बनाया, 5-स्टार होटल, जिसका नाम है ऑर्किड होटल. और इस होटल को 100 से भी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं. इसकी शुरुआत कैसी हुई? जैसे मैंने इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी, उसमें तो ऐसे बताया था उन्होंने कि इनकी शुरुआत तब हुई कि जब वो डेप्थ में थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे में थे और वो सुसाइड का सोच रहे थे. लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि उनसे दोस्त से मिला जाए. तो विट्ठल कामत अपने दोस्त से मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट के फ्लोर पर चले गए. उसके बाद उन्होंने वहाँ देखा कि एक आदमी
वहां बिल्डिंग पर खड़े रह के बिल्डिंग को इतने ऊंचाई पर बिल्डिंग को कलर कर रहा है। तो विठ्ठल कामत जी के मन में ये आया कि ये आदमी अपने जान को धोखे में डाल करके 10,000 रुपए के लिए यहाँ कलर अगर कर रहा है बिल्डिंग से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो विठ्ठल कामत जी को ये आइडिया आया कि वो एक होटल चेन फॉर्म किए और आज वो बहुत ही फेमस होटेलियर, सक्सेसफुल होटेलियर बन चुके हैं। उनकी बहुत बड़ी होटल्स की चेन है और इडली ऑकेट द विल पावर उन्होंने बुक भी लिखी है, उद्योजक होनारस में ये भी बुक उन्होंने लिखी है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं तो ये दो बुक्स आपके लिए बहुत बेस्ट है। मैं बोलता हूँ आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। मैं लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। वीडियो से हटके एक बात, मैं एक पॉजिटिव यूथ एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए मेरे ये यूथ एम्पावर मिशन में मेरा साथ दीजिए। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप कनेक्ट कीजिए, जिससे मैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट यूथ के लिए एम्पावर करने के लिए बना सकूँ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, ये आपका ही चैनल है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपका ही चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना। फाइनली लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और आप आगे क्या चाहते हो, और शेयर कीजिए।